जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने लाइफ में, अपना कैरियर बनाने के लिए उलझ रहे होते हैं, तो आपको हर जगह से निराशा हाथ लगती है। कुछ लोग आपको छोड़कर चले भी जाते हैं। तो आपको ये बात भूलना नहीं, अपने दिमाग में याद रखना है कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और कामयाब होंगे, ये लोग वापस मक्खी की तरह लौट के आएंगे। तो जो लोग आपको छोड़ के गए थे या गई थी, जब वो वापस आए आपके पास, तो उनको इस बात का हमेशा अफसोस रहे कि काश मैं इसको उस दिन छोड़ के ना जाता, तो आज मैं भी इसके साथ हंस खेल के रह सकता था, इससे बातचीत कर सकता था, इसके साथ जीवन में कुछ आगे बढ़ सकता था। आप जो भी आज ये पढ़ाई कर रहे हो, ये एक टाइप की तपस्या है। तो आपकी इस तपस्या के लिए मैं एक बात भी कहना चाहूंगा भाई, कि जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की वाकई में कभी हार नहीं होती। आज मेहनत करके अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे, तो कल सपना देखने के लिए भी चैन भर नींद आपको नहीं आएगी। जिस दिन आपका मन ना होते हुए भी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, तो समझ लेना कि आप अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं। कि ये जिंदगी एक ऐसी कलम की तरह है जिसकी इंक खत्म होने से पहले आपको अपनी कहानी लिख देनी है, और कहानी सफलता वाली, सिलेक्शन वाली, ऐसी कहानी जिसको लोग चार एग्जाम्पल देके सुनाएं। ये बात केवल लड़कों के लिए है। जब आप लोग पैदा हुए थे तो आपके घर में खुशियां मनाई गई थी, इसलिए कि जो बड़ा होगा तो कमाएगा, कमा के घर में लाएगा। ये संघर्ष आपको करते रहना पड़ेगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, और आप केवल तब तक ही अकेले हो जब तक आपकी कोई नौकरी नहीं लग जाती है, सक्सेस नहीं हो जाते। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, जिस दिन आप कामयाब बन गए, आपके घर वाले भी, आपके रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी, और वो भी हो सके तो आपके साथ वापस आ जाएंगे। इसलिए ख्वाहिश ये मत रखो कि दुनिया आपकी तारीफ करेगी या जमाना आपकी खूबी ढूंढेगा। आपके घर वाले आप पे नाज कर सकें, बस इतना काफी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे कहने से एक काम करो। सबसे पहले पढ़ाई करते समय जो फोन है, या तो इस फोन को पूरी तरीके से ऑफ कर दो, या इसको एयरप्लेन मोड में डाल दो। आप अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो अलग बात है, केवल वीडियो लेक्चर देखने से भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ओनली सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ पढ़ाई कमरे के अंदर इज द राइट की टू गेट सक्सेस। फोन आप तभी देखोगे सोशल मीडिया जब आप अपने दिन का आवरली पढ़ाई का टारगेट बेस्ड जो टास्क है वो कंप्लीट कर लोगे। SSC के एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए पता सबसे जरूरी चीज क्या है? टैलेंट नहीं है। एक बालक ऐसा है जो पहले दिन 10 घंटे पढ़ता है, फिर दूसरे दिन भी पढ़ता है, फिर ब्रेक कर देता है, 3 दिन तक नहीं पढ़ा, फिर 15 घंटे पढ़ा, फिर कुछ नहीं पढ़ा, फिर 2 घंटे पढ़ा, इसका कुछ नहीं होना। एक बालक है जिसकी क्षमता ही नहीं 10 घंटे सिटिंग करने की, वो बेचारा डेली 6 घंटे ही पढ़ पाता, लेकिन डेली पढ़ता, उसने प्रोसेस 8 महीने तक किया। तो मैं ये मानता हूँ कि ये लड़का कहीं नहीं जाएगा, और ये लड़का सिलेक्शन ले जाएगा, चाहे पढ़ाई में कितना ही एवरेज या कमजोर क्यों ना हो। कि बारिश की बूंदें जब टप 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 गिरती रहती है ना, तो पत्थर में भी दरार ला देती है। ठीक ऐसे कि आप लगातार 8-10 महीने तक पढ़ाई करो, वो है कंसिस्टेंसी। कि जिस उम्र में तुम लोग हो ना, वो उम्र ऐसी है कि आपका घर वालों से मांगने का कुछ मन नहीं करता, और ना ही आप अपने घर वालों को कुछ दे पा रहे हो। बस आपके पास एक उम्मीद है कामयाब होने की, सरकारी नौकरी लग जाने की, कि मेरी किस दिन नौकरी लग जाए और मैं अपने घर वालों को ये करूं। तो भाई मेहनत करते रहो, दिन रात अपने आप को रगड़ते रहो, क्योंकि संघर्ष का दौर आपका जितना बदसूरत है ना, जो आपकी सफलता का दौर आएगा वो उतना ही खूबसूरत होगा।